शुभ प्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंडवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना बिंदु होगा कक्षा 10 से संबंधित सेनापति का परिचय और उनकी रचना ऋतु वर्णन, उसकी आज हम वार्तालाप करेंगे। तो सेनापति का जो ऋतु वर्णन है उसके बारे में बात करने से पूर्व हम थोड़ा सा सामान्य सा सेनापति का परिचय ले लेते हैं, क्योंकि सेनापति का परिचय कक्षा 10 की पुस्तक में भी है तो कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक में भी है। तो सामान्य सा परिचय अगर हम बात करें तो सेनापति का जो जन्म है विक्रम संवत 1646 को हुआ है, विक्रम संवत 1646 को, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है गंगा तट पर अनूप नगर नामक गांव में। बात करते हैं इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित और इनके पिता महा अर्थात दादाजी का नाम है परशुराम दीक्षित। इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। आगे बात करते हैं हम, तो इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसके बारे में खुद ने लिखा है, सेनापति सोई सीतापति प्रसाद जाकी, सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कानन दे सुनत कविताई है। सेनापति वही है जिस पर सीतापति राम का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर किसका आशीर्वाद है, सीतापति, सीता का पति कौन, भगवान राम का आशीर्वाद है। अर्थात इससे पता चलता है कि राम उपासक थे, रामोपासक कवि सेनापति थे। रीतिकाल से संबंध था, भक्तिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों से इनका संबंध रहा है। संबंध की बात करें तो दोनों की रचनाएं रीतिकाल से संबंधित रचनाएं भी है, तो इन्होंने भक्तिकाल से संबंधित रचनाओं का भी परिचय हमारे को करवाया है। तो आगे बात करते हैं कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कौन से ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। भक्तिकाल के महान और भावप्रवण कवि भी इनको हम कह सकते हैं। श्लेष अलंकार में इनकी प्रधानता थी, उसके साथ साथ ही यमक अलंकार की भी प्रधानता थी। इनकी रचनाओं में प्रसाद गुण और औज गुण की विशेषता पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं कि इनका जो ऋतु वर्णन है वह बड़ा प्रौढ़ और प्रांजुल है, पुराने तरीके से नए तरीकों से जोड़ने का कार्य इन्होंने किया है। इनकी ऋतुओं का जो वर्णन है, इनकी जो तरंगे हैं, इनकी दो रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ये जो हम ऋतु वर्णन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10, इसकी जो चार यहां पर पद्यांश दिए हुए हैं, पहले पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन है, दूसरे पद्यांश में शीत ऋतु और सॉरी ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का वर्णन है, यहां पर सावन का वर्णन है और यहां पर शीत ऋतु का वर्णन है। तो हम चारों का वर्णन आसानी से अर्थ सहित भावार्थ के सहित हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सेनापति का ऋतु वर्णन की, पहले पद्यांश से पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ करेंगे। वरण वरण तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लही यतु है, बंद जीवी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गई यतु है, आवे आस पास पहुपने की सुभाव सोई, सोने के सुबंध मांझ रहने रही यतु है, सोबो को समाज से नुपति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कही यतु है। वरण वरण तरु फूले उपवन वन, देखो पहला जो पद्यांश है इसमें या अपनी जो कविता है इस कविता में जो पहला पद्यांश है इसमें सेनापति ने बसंत ऋतु के राजा या ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन किस तरह से होता है उसका वर्णन यहां पर किया गया है। ऋतुओं के राजे, ऋतुओं का राजा वसंत, उसके आगमन का यहां पर वर्णन किया गया है। शुरुआत करते हैं, जब बसंत ऋतु आती है तो क्या क्या होता है, वरण वरण अलग अलग रंगों के, तरु मतलब वृक्ष, फूले मतलब फूलते हैं, उपवन मतलब बगीचा, वन मतलब वन। वसंत ऋतु के आने पर बाग बगीचों में तरह तरह के रंगों के फूल खिलने लग जाते हैं, ठीक है। वसंत ऋतु के आने पर वन उपवनों में रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के फूल खिलने लग जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल रही हेतु है, सोई मतलब वही चतुरंग, वही कौन, वसंत ऋतु, चतुरंग मतलब चार रंग की, संग मतलब साथ में, दल मतलब लेकर, लयतु मतलब लेकर आते हैं, संग मतलब साथ, दल मतलब सेना। वही वसंत ऋतु
आता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके साथ चार रंग की सेना सजाकर वह साथ में लिए आ रहा है। चार रंग की सेना सजाने का मतलब यह है कि जिस तरह से युद्ध भूमि में जाते हैं तो सेना को सजाकर ले जाया जाता है, सेना सजकर जाती है, और सेना सजकर जाती है तो उसके साथ घुड़सवार, अश्वारोही और पैदल और रथों में चार तरह की सेना होती है। उसी तरह से जब वसंत ऋतु आती है तो अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं और अलग अलग रंगों के फूल चारों तरफ दिखाई देता है देते हैं, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ वसंत ऋतु अपनी सेना को सजाकर लिए आ रहा है। बंदी जी भी बोलते विरद वीर कोकिल है। बंदी का मतलब गुण गायक, बंदी का मतलब होता है गुण गायक। जीमी मतलब जैसे, बोलत मतलब बोलते हैं, वीर मतलब वीर, वीरद वीर कोकिल, कोकिल का मतलब क्या होता, कोयल होता है। तो बंदी जीमी, और जब कोयल वसंत ऋतु के आने पर कोयल कूंकने लगती है तो ऐसा लगता है कि उनके जो गुण गायक है, वसंत ऋतु का जो गुण गायक है वह उनके गुणों का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। गुंजत मदप गान गुण गई हेतु है, गुंजत मतलब गुंजार करना, मधुप का मतलब भौरा, गान मतलब गान, गुण मतलब गुण, गयेतु मतलब ग्रहण किए हुए हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो फूलों पर गुंजार करता हुआ भौरा ऐसा लग रहा है जैसे वह गान करता हुआ घूम रहा है या मंडरा रहा है। वसंत ऋतु में फूलों के ऊपर जब भौरा गुंजार करता है, भू भू की आवाज करता है, तो ऐसा लगता है कि वह आनंद प्रदान करने वाला है, वसंत ऋतु के आने के समाचार दे रहा है। आवे आस पास पुहुपन की सुबह से सोई, पुहुपन का मतलब होता है पुष्प, पुहुपन का मतलब क्या होता है पुष्प, सुबास का मतलब होता है सुगंध, सुबास का मतलब सुगंध, और आवे मतलब आती है आस पास से, पुहुपन मतलब पुष्प की, सुबास मतलब सुगंध, सोई मतलब बेसी। वसंत ऋतु के आने पर आसपास के वातावरण से, आसपास के पर्यावरण के माहौल से, वहां से आसपास से पुष्पों की सुगंधित हवा आती है। सोने के सुगंध मांझ सने रही हेतु है, सोने के सुगंध, सोने में सुगंध, मांझ मतलब बीच में, सने मतलब रहना, रही हेतु मतलब रहते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने के बीच में ही सुगंध उत्पन्न हो रही है, सोने के बीच में सुगंध उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब चारों तरफ पीले पीले पुष्प खिले हुए हैं, सोना कैसा होता है पीला, और वसंत ऋतु में सूर्यमुखी के फूल कैसे होते हैं पीले, चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हुए हैं और उन पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सोने में भी सुगंध आ रही है। शोभा को समाजा सेनापति सुख साजे, आज चारों तरफ पूरे समाज में वसंत ऋतु के आने पर शोभा दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, और सेनापति कहते हैं कि चारों तरफ क्या है, सुख साज का साम्राज्य छाया हुआ, चारों तरफ सुखी ही सुखी दिखाई देता है। आवत वसंत ऋतु राज कही हेतु है, आज आवत मतलब आता हुआ, वसंत मतलब वसंत, ऋतु राज मतलब ऋतुओं का राजा कही हेतु, ये सारी बातें आता हुआ वसंत, ऋतुओं का राजा वसंत कहता है। तो अपन ने देखा कि ऋतुओं के राजा वसंत के आने पर प्रकृति में किस किस तरह के परिवेश या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है। अब हम आगे चलते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का आरोप एक साथ किया गया है। यहां पर यह पद्यांश जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये ध्यान दें कि इसमें श्लेष अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन किया है सेनापति ने इस पद्यांश में, या ये कविता है इसमें, ये जो दोहा है ऋतु वर्णन से संबंधित, इसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु और क्या ना वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। और अंत में सेनापति ने कहा है, देखा मेरी चतुराई कि मैंने ग्रीष्म ऋतु को किसके समान बता दिया है, वर्षा ऋतु के समान, अर्थात ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का समान वर्णन यहां पे किया है, दोनों का अध्ययन एक साथ करेंगे। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द होता है उसके दो अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। इसी तरह यहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे एक शब्द है जले, ठीक है, यहां पर है हरियो, प्रत्येक पंक्ति में है एक शब्द ऐसा जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, और दो अर्थ निकलेंगे तो कहने का मतलब क्या है, वहां पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं दोनों लाइन का, पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, फिर उसी पंक्ति में वर्षा ऋतु की बात करेंगे। देखे चित्री अंबर जले है चारी ओर छे, तीन तारेवर सब ही को रूप हरियो है,
महाझरे लागे ज्योति भादव की होती चले। जलद पवन तन सेक मानव परयो है, दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सबे। श्री घने चाह चाहे गौ चित्त धरयो है। देखी चतुराई सेनापति की कविता की झू घिसम विषम वर्षा किसम करयो है। अब देखें यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखें तो पहले मैं ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बोलूंगा और उसके बाद वर्षा ऋतु का। देखें मतलब दिखाई देता है, क्षिति क्षिति का मतलब क्या होता है धरती, अंबर का मतलब आकाश, ठीक है, जले का मतलब जलना, जले का मतलब जलना, चारी और छोर चारों ओर दूर तक। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में, भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमारे को आकाश और धरती चारों तरफ जलती हुई नजर आती है। यह हुआ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। अब इसी पर वर्षा ऋतु पे कैसे देखे, देखते हैं धरती पर जले, अब जलना नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। भयंकर वर्षा ऋतु में धरती और आकाश में चारों तरफ दूर तक जल ही जल नजर आता है। समझ में आ गया, इस जले शब्द की ही बात है कि एक का तो अर्थ होगा जलना और एक का होगा जल। अगली लाइन देखें, तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है। देखो हरियो शब्द है, हरियो शब्द का मतलब होता है एक तो होगा हरण करना अर्थात सुखा देना, और एक होता है हरा करना। तो सुखा देना ग्रीष्म ऋतु से अर्थ लिया जाएगा और हरा करना वर्षा ऋतु से, ठीक है। तीन तरवर घास फूस या घास सभी को रूप हरियो। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो चारों तरफ घास या पेड़ पौधे सभी क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं, गर्मी की वजह से जल जाते हैं, उनका सभी का रूप हर लिया जाता है। वही वर्षा ऋतु आने पर घास तीन तन के सभी क्या हो जाते हैं हरे हो जाते हैं, क्लियर। भादव शब्द है, एक भादव का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, और एक भादव का मतलब क्या होता है, एक भादव का मतलब होता है बरसात की ऋतु या बरसात में जो बिजली चमकती है उसको बोलते हैं, बरसात का महीना भी बोल सकते हैं, भादव का महीना भी बोल सकते हैं। तो हम बरसात की बिजली से इसका तात्पर्य लेंगे, और एक क्या लेंगे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हम लेंगे जंगल की आग से। महाजर, महाजर का मतलब होता है भयंकर, लागे मतलब लगने पर, ज्योति मतलब आग, भादव जंगल में होती चले। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में जब आग लग जाती है तो चारों तरफ क्या होता है आग ही आग दिखाई देती है। भयंकर ऋतु में या भयंकर ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ जलती हुई आग नजर आती है। वहीं पर भयंकर लागे ज्योति, वही अगर बरसात का महीना है, भादव का महीना है, तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। या हम कह सकते हैं कि भयंकर गर्मी के कारण जंगल में आग लग जाती है तो चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। वहीं पर बरसात के महीने में, बरसात के महीने में वही उसी जंगल पर भयंकर चारों तरफ बिजली चमकती हुई नजर आती है, क्लियर। जलद पवन तन सेक माने ऊपर हो, यहां सेक का मतलब होगा सिकाई, सेक का मतलब होगा सिकाई, सिकाई हो जाती है ना गर्मी में बाहर निकलते हैं तो वही सिकाई है। और एक सेक का मतलब होता है सुखदाई, क्या होता है सुखदाई। तो जलद पवन तन सेक माने ऊपर हो, पहले ग्रीष्म ऋतु का अर्थ लेंगे। जलद पवन जलती हुई वायु से, जलती हुई वायु से तन मतलब शरीर की सिकाई हो जाती है। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब हवा में चलते हैं तो जलती हुई वायु से क्या होती है तन की सिकाई हो जाती है। वहीं पर वर्षा ऋतु में जलद पवन, जलद का मतलब बादल, बादलों की ठंडी हवा से हमारे तन को क्या मिलती है ठंडक मिलती है, अर्थात वह हमें सुख देने वाली होती है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण तरणी का मतलब होता है सूर्य और एक का मतलब होता है नदी। सूर्य का मतलब होगा ग्रीष्म ऋतु से और नदी का तात्पर्य लिया जाएगा वर्षा ऋतु से। दारुण, दारुण का मतलब होता है भयंकर, भयंकर सूर्य, भयंकर तरणी मतलब सूर्य, तरे मतलब तरते हैं, नदी सुख पावे। भयंकर गर्मी से बचने के लोग सभी क्या करें, भयंकर सूर्य की गर्मी से सुख पाने के लिए लोग क्या करते हैं नदी में तैरकर सुख प्राप्त करते हैं। किसमें तैरकर, नदी में तैरकर सुख प्राप्त करते हैं। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में नदी का जल भी गर्म होता है, परंतु वहीं पर वर्षा ऋतु में सभी लोग नदी में तैरकर सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। सीरी घने चाह चाहे गौई चित्त धरे हुए। सीरी का मतलब होता है ठंडी, सीरी का मतलब ठंडी, घन मतलब बादल, चाह मतलब छाया, चाहे हुए मतलब चाहते हैं, चित्त धरे हुए
चित्त मतलब हृदय में, धारण मतलब धारण करना। और अब यहां तक तो हमने देखा ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब देखो भयंकर क्या करते हैं, भयंकर ग्रीष्म ऋतु में हम बादलों की छाया में रहना पसंद करते हैं और वर्षा ऋतु में बादलों की छाया में हम भीगकर अपना आनंद लेते हैं। देखी चतुराई सेनापति कविताई की जू, जू का मतलब होता है रचना करना, देखी मतलब देखना, चतुराई मतलब चतुराई, सेनापति मतलब सेनेताई, सेनापति की कविताई मतलब कविता की। आपने देखी सेनापति की कविता की रचना की चतुराई, गिसम विषम वर्षा सम करियो, गिसम मतलब ग्रीष्म, विषम मतलब अलग, वर्षा मतलब वर्षा ऋतु के सम करियो, ग्रीष्म ऋतु को भी सेनापति ने वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। इसके आगे मैंने कुछ ये शब्द लिखे हुए हैं जिनमें श्लेष अलंकार है, जले हरियो भादव जलद और तरली, इनका मतलब यहां पे लिखा हुआ है, आप सभी देखें। तो यहां तक हमने दोनों पद्यांश का अध्ययन किया कि सेनापति ने ऋतु वर्णन में कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत क्या अर्थ बताया है, पहले में वसंत ऋतु का वर्णन और दूसरे में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का सापेक्ष वर्णन किया है, एक साथ वर्णन किया है। अगर यहां तक का अर्थ आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः वीडियो अवश्य देखें।